मुंबई कांदिवली में लाखों की तादाद में लोग एक साथ एक जगह जमा हो गए और महाभंडारे का सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। दरअसल कांदिवली चारकोप में सनीरा थोड़ पिछले 10 सालों से महाभंडारा करते आ रहे हैं और इस महाभंडारे में बड़े बड़े नेता और फिल्म स्टार अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने जरूर आते हैं। श्री साईं सेवा संघ के अंतर्गत ये महाभंडारा हर साल 11 जनवरी को सनीरा थोड़ करते हैं और इसमें हजारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं और महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। इस मौके पर आमदार सुनील राणे, अभिनेता शिव ठाकरे, आमदार असलम शेख, हिंदुस्तानी भाऊ उपस्थित रहे। सबसे पहले मेरे बाबा का आशीर्वाद है और मेरे दोस्तों का साथ है मेरे को, और मेरे माँ बाप ने मुझे यही सिखाया कि धर्म कर, अच्छे कर्म कर, उसके बाद और कुछ नहीं भाई। और देखो चाहने वाले देखो कितने से, और बाबा और शिरडी के साईं बाबा अपने राजा है तो उनके लिए हमेशा करते रहो बस में, और मेरे दोस्तों का साथ। जी बोलिए ना, लाखों की तादाद में यहाँ लोग आ रहे हैं और लगातार आपका भंडारा चलते जा रहा है और एक साईं बाबा का भंडारा है जी। लेकिन साथ में यहाँ पे तमाम राजनीतिक पार्टी के यहाँ नेता भी आ रहे हैं, वो भी आपसे प्रेम कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं। अगर आने वाले वक्त में आपको मौका दिया जाता है चारकोप से खड़े होने के लिए, कोई पद दिया जाता है, कोई आपको जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? सोचेंगे उस टाइम, तब उसके बाद तब ये फोटो मैंने इसलिए लगाया है, ये मेरे सपोर्टर है, ये मुझे चाहते हैं, बीजेपी वाले भी, उसमें सेना वाले भी और सिंधेगढ़ वाले भी, तो मेरे भाई है, मुझे आशीर्वाद देने आते हैं। आपके पास अच्छा वोट बैंक है, इलेक्शन ये चाहने वाले लोग हैं सर, वोट बैंक नहीं है। मेरे कई सालों से साईं सेवा संघ जो है यहाँ पे साईं बाबा का जो प्रोग्राम आयोजित करते हैं, काफ़ी बड़ा भंडारा रखते हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और साईं बाबा के दर्शन लेते हैं, अपनी बातें रखते हैं और साथ ही साथ ये सब खाली एक प्रोग्राम नहीं करता, इसके अलावा भी जो है कई अच्छे काम करते हैं, गरीब बच्चों की भी आते हैं। क्योंकि भाई सिर्फ अच्छा काम करते रहे, राजनीति के अंदर है, राजनीति के बाहर लोगों का अच्छा कर रहे हैं, यही काफी है। कैसे भी करें, कोई भी जरिए से करें, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब मैंने सुना था कि सनी भाई का इतना साल से यहाँ पे चल रहा है, मैं वही देखने के लिए इतना प्रोत्साहन करने के लिए आया हूँ और मैं देख के दंग हूँ, इतने सारे लोग खड़े हुए, ये तो सिर्फ खूप चांगल्या प्रकारे आयोजित करतात आणि अशा लोकांची गरज आहे आपल्या सोसायटीत। बुलावा देणार तो असतो साई बाबा, त्याचा भक्त आहे आम्ही, ओम साईराम वाले, ते येतो आज पण मला तब्येत माझी खराब होती, मला व्हिडिओ कॉल केला, मला बोलतो माझी तब्येत एवढी बरी नाही, मी नाही शकत, मला अर्धा तास लगेच बोला मी येतोय, बाबांनी बोलवलं, बाबांनी आलोय मी इकडे, नाही थांबू शकत, तुला जर विकनेस आहे भाऊ। युवा पिढी आज तुम्हाला फॉलो करते, तुमच्या प्रत्येक स्टेटमेंटला फॉलो करते, काय सांगाल आणि खास करून जे अयोध्याचा थीम होता त्याबद्दल काय सांगाल? खूप सुंदर आहे आणि सर्वांना सांगतो की 22 जानेवारीला जे जे लोक तिकडे नाही जाऊ शकत त्या लोकांनी इकडे 22 जानेवारी मनवा, हर घरामध्ये दिवे लावा। आणि नाही, सर्वप्रथम श्री साई सेवा संघ आणि खऱ्या अर्थाने या श्री साई सेवा संघाची निर्मिती करणारे माझे मित्र श्री सनी राठोड आणि त्यांच्या सर्व कार्यकर्त्यांचं मी सर्वप्रथम अभिनंदन करतो। एकतर संपूर्ण देशभरामध्ये प्रभू श्री रामचंद्रजींच्या मंदिराच्या निर्माणाच्या उद्घाटनाचा जो 16-22 जानेवारीला आदरणीय प्रधानमंत्रीजी नरेंद्र मोदीजींच्या हस्ते होणार आहे, त्यामुळे संपूर्ण देशभर एक हिंदुत्वाचं वातावरण आहे आणि चारकोपमध्ये या विशेष करून सेक्टर 4 मध्ये गेले 10 वर्ष सतत साईबाबांच्या प्रार्थनेने, साईबाबांच्या प्रेरणेने आणि त्यांच्यावर असलेल्या भक्तिभावाने आणि त्यांच्या आशीर्वादाने सनी राठोड आणि त्यांचे
हजारो कार्यकर्ते साईबाबांच्या चरणी आपली श्रद्धा अर्पण करत असतात आणि या सोहळ्याचं एक स्वरूप असतं, श्रद्धेने, भावनेने, प्रेमाने, आदराने, एका विश्वासाने ही सगळी कार्यकर्ते मंडळी, तरुण मंडळी आणि किंबहुना मुंबईपासून शिर्डीला चालत चालत जाणारे असंख्य हजारो किंबहुना लाखो भाविक साईबाबांच्या चरणी जातात, त्यांचे आशीर्वाद घेतात, त्यांचे दर्शन घेतात. पण आपण इथे आल्यानंतर हे भव्य असं मंदिर उभारणं आणि याच्यामध्ये हजारो लोकांना भंडाऱ्याच्या माध्यमातून प्रसादाचा लाभ देणं, याच्यासाठी फार मोठं मन लागतं.